हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली यहां पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है कि यार MIUI 11 का ऑफिशियल ग्लोबल स्टेबल अपडेट रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन है MIUI 11.0.2.0। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट और काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको सारे प्रूफ्स दे दूंगा और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये अपडेट जो है किस डिवाइस में आया है और आपके डिवाइस में कब तक आपको देखने को मिलेगा MIUI 11 का ऑफिशियल अपडेट। क्योंकि भाई जो 22 अक्टूबर है आज, और 22 अक्टूबर से भाई बहुत सारे डिवाइसेज में यहाँ पर अपडेट जो है रिसीव होना स्टार्ट होने वाला था। तो बस इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए यार, बिना वक्त वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डालता हूँ वीडियो बनाने से पहले, कोई भी MIUI 11 से रिलेटेड या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है टैग से रिलेटेड मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो अब हम बात करते हैं भाई MIUI 11 के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो इसका वर्जन है वो है 11.0.2.0, और ये जो अपडेट है भाई ये कुछ ही डिवाइस में देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन शॉट्स हैं, साथ बहुत से लोगों की अपडेट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेड्यूल था, यहाँ पर पोको F1 K20 Pro, रेडमी Y3 और रेडमी 7 सीरीज़ के लिए था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपडेट था भाई 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में मिलने वाला था। तो आज 22 अक्टूबर है और आज ये अपडेट रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपडेट है ये मिला है K20 यूजर्स को। इंडिया के जितने भी K20 यूजर्स हैं उनको ये अपडेट रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रेडमी K20, जिसमें कि अपडेट ये रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोगों को ये अपडेट मिल भी चुका है, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह इंस्टॉल किए। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इंडिया का कोड भी है, ऐसा ही नहीं कि ये IN लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी इमेज एडिट नहीं की है, यहाँ पर भी IN ही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो भाई कोई भी यहाँ पर फेक नहीं है। भाई इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये अपडेट मिल चुका है। आप जगह भाई यहाँ पर टेलीग्राम पर मैं ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो K20 का, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसके ऊपर वीडियो बना दी होगी, लेकिन यहाँ पर रेडमी K20 प्रो के लिए MIUI 10 का अपडेट मिला है एंड्रॉयड 10 के साथ। तो यार यहाँ पर अभी MIUI 11 नहीं आएगा क्योंकि वो सेकंड बैच में है। यहाँ पर MIUI 10 उनको अपडेट मिला है, लेकिन Redmi K20 में MIUI 11 आ गया, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन Redmi K20 के साथ ऐसा क्यों किया गया ये पता नहीं भाई। उसमें Android 10 का अपडेट दिया है, जिसका वर्जन आप देख सकते हो। बाकी हमारे Redmi K20 में सबसे पहले अपडेट मिल चुका है MIUI 11 का, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। अब कुछ दिनों में सारे ही डिवाइस में अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी भाई सबसे पहला अपडेट भाई K20 में मिला है, क्योंकि जो इसके इंडियन अपडेट की लिंक थी भाई वो पहले ही लीक हो गई थी, बहुत से लोगों ने पहले ही इंस्टॉल कर लिया था। लेकिन आज फाइनली जैसे सुबह हुई थी, बहुत से लोगों ने इस अपडेट को इंस्टॉल करना स्टार्ट हो गया। OTA अपडेट MIUI 11 का उनको मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी कि यार आज 22 अक्टूबर है और आज ही के दिन इनको अपडेट देखने को मिल गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। अब हम बात कर लेते भाई और बहुत सारे डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रेडमी के 7 सीरीज़ पूरी है, पोको F1 Y3 और यहाँ पर K20 प्रो है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपको सारे ही डिवाइस में, इन सारे डिवाइस में जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इन सारे डिवाइस में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको यार ये वीडियो पसंद आई होगी और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिले होगी कि MIUI 11 का अपडेट आपके डिवाइस में कब आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसी तरह वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।